सांप काटे तो सीधे ओझा के पास जाओ, वो जंतर मंतर करके विष उतार देगा। गलत। सांप काटे तो ब्लेड या चाकू से जहां सांप ने काटा है वहां का खून बहा दो, विष भी निकल जाएगा। ये भी गलत। या फिर उस जगह से विष चूस लो, उसके ऊपर रस्सी बांध दो, ये भी बिल्कुल गलत। हमारे देश में सर्पदंश को लेकर बहुत सारी मनगढ़ंत बातें प्रचलित हैं और हो सकता है कि आपने भी ऐसा कुछ सुना हो। इसी तरह की गलत फहमियों के कारण हमारे देश में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग विषैले सांपों के काटने से मर जाते हैं। तो आज अच्छी तरह जान लीजिए कि सांप काटने से अपने को कैसे बचाएं और अगर वो काट ले तो क्या करें। सर्पदंश, बचाव और उपचार। स्नेक बाइट, सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट। हमारे देश में हमारे आसपास सांप भी बसते हैं और कई बार सांप हमें काट भी लेते हैं। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि देश के अधिकांश सांप विषैले नहीं, लेकिन कुछ सांपों का विष इतना ताकतवर कि वो हमारी जान ले ले। कौन से सांप विषैले हैं, जानने के लिए देखें वीडियो सांप बड़े चार। सांप मांसाहारी हैं। विषैले सांपों का विष भोजन के शिकार और उसे पचाने में काम आता है। विष एक तरह का रसायन है और अगर वो हमारे खून में पहुंच जाए तो शरीर में बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है, जान भी जा सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक गंभीर आपात स्थिति। पहले जानते हैं कि सांप ना काटे, इसके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं। सबसे जरूरी, अपने घरों में सांप को आमंत्रित ना करें। उनका खाना हमारे घर में होगा तो वो भला क्यों नहीं आएंगे। चूहों को पनपने ना दें, क्योंकि जहां चूहे हैं वहां सांप भी। घर और उनके आसपास की जगह को साफ रखें। लकड़ियों के ढेर, उपलों के बीच, दरारों और अंधेरे कोनों में सांप छिपना पसंद करते हैं। वो अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकते, इसीलिए सर्दी के मौसम में गर्मी तलाशना और गर्मी के मौसम में ठंडे कोनों में छिपना उनका स्वभाव। कहीं भी अंदर हाथ डालने से पहले या पांव रखने से पहले एक बार नजर डाल लें कि कहीं सांप तो नहीं। पेड़ों, टहनियों, घास या कोनों में छिपे सांप अक्सर तब काटते हैं जब गलती से हमारा पांव उन पर पड़ जाए या हाथ लग जाए। खेतों में काम करते समय जूते पहने, अंधेरी जगहों में काम करते समय या चलते समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पाया गया है कि सांप अक्सर अंधेरे में काटते हैं। रात के समय टॉर्च लेकर चलना जरूरी है। रास्ते के अगल बगल पत्तियों, मिट्टी और पौधों में सांप हो सकते हैं। आप खुले रास्ते पर, मतलब थोड़ा बीच में खुली जगह पर चलें। अगर जूते पहने तो और भी अच्छा होगा। अगर आप जमीन पर सोते हैं तो विषैले क्रेट सांप के काटने की आशंका बढ़ती है। इससे बचने का सरल उपाय है मच्छरदानी, मतलब मसहरी का प्रयोग। उसे चारों तरफ से अच्छी तरह दबाकर रखें। जमीन के मुकाबले चारपाई पर सोना ज्यादा सुरक्षित है। किसी भी सांप के साथ छेड़खानी अच्छी नहीं, उनसे दूर रहना ही समझदारी।
समझदारी ये भी कि हम जान लें कि अगर सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये जानकारी बहुत ध्यान से देखें और हमेशा याद रखें, ना जाने किसकी जान बच जाए। अगर सांप किसी को काट ले तो घबराएं नहीं, खुद भी शांत रहें और रोगी को भी शांत रखें। ये समय समझदारी और हिम्मत से काम लेने का है, क्योंकि ये एक आपात स्थिति है और समय बहुत कीमती है। याद रहे, अधिकतर सांप विषैले नहीं होते। वैसे विषैले सांप भी काटते समय हमेशा विष नहीं छोड़ते। इस तरह के विषहीन दंश को ड्राई बाइट कहते हैं और इनसे खतरा नहीं होता, लेकिन ये निर्णय डॉक्टर पर छोड़ दें। सर्पदंश रोगी को इधर उधर भागने ना दें, एक जगह स्थिर कर दें। जिस अंग पर सर्पदंश हुआ है उसे भी हिलाए डुलाए या छेड़े नहीं। हिलने डुलने से रक्त संचार बढ़ता है और विष ज्यादा तेजी से शरीर में फैलता है। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं। एम्बुलेंस और डॉक्टरी मदद के लिए 108 या 102, 108 या 102 नंबर मिलाएं। ये दोनों टोल फ्री नंबर हैं जिन पर किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में मदद मांगी जा सकती है। लेकिन अगर किसी कारण से उसे आने में देर हो रही है तो फौरन बिना समय गवाए पास के सरकारी अस्पताल पहुंचे। अपने करीबी डॉक्टर और एम्बुलेंस का नंबर अपने पास जरूर रखें। सांप के काटे जाने पर अभी भी हमारे देश में ओझा और भगत के पास जाने का चलन है। ये जानलेवा हो सकता है। अगर शरीर में सांप का विष गया है तो कोई भी जंतर मंतर या जड़ी बूटी काम नहीं कर सकती। ये सब बेकार है, क्योंकि सांप के विष का अकेला इलाज उसी के विष से बनी एक विशेष दवा यानी एंटी वेनम है, जो केवल डॉक्टरों के पास और सरकारी अस्पतालों में मिलती है। वेनम का मतलब विष और एंटी मतलब विरोधी। याद रखिए, सांप का विष निकालना एक जोखिम भरा काम है जो केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसके बारे में बात कभी और। बहुत से लोग सांप काटने पर चाकू या ब्लेड से काटकर खून बहाते हैं। उन्हें गलत विश्वास है कि ऐसा करने से शरीर से विष निकल जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। शरीर की सूक्ष्म रक्त वाहिनियां कटने से जान तक जा सकती है और विष ज्यादा फैल भी सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चूसकर विष निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल बेकार और गलत बात है। घाव के ऊपर कसकर बांधना भी चलन रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार बांधने से रक्त संचार खत्म होने के कारण हाथ या पांव काटने पड़ते हैं। याद रखिए, देश में हर साल 50,000 लोग इसलिए सांप के काटने से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय से सही इलाज नहीं मिलता। सांप के विष का इलाज है, जरूरी है तुरंत सही कदम उठाना। अब आपके लिए एक काम, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टरों से इस विषय पर बात करें। वहां पर एंटीवेनम है या नहीं ये पता करें। सांपों के विष से एंटीवेनम कैसे बनाया जाता है ये भी जानकारी लें। अपने इस सर्वे का इस तरह चार्ट बनाएं। आपका नाम, गांव का नाम, सबसे नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, सरकारी अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइवेट हॉस्पिटल या दवाखाना। ये स्वास्थ्य सुविधा आपके घर से कितनी दूर है? वहां एंटीवेनम उपलब्ध है या नहीं? अगर उपलब्ध है तो कितना? जिस व्यक्ति से आपने जानकारी ली है उसका नाम और पद, ये जानकारी शेयर करें। याद रखें, सर्पदंश हमारी अपनी समस्या है। हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें।